हरिद्वार के ग्राम सराय से प्रधान प्रत्याशी धनपाल सिंह का जनता के प्रति रुझान देखते हुए कर्मठ, जुझारू व ईमानदार समाज सेवी और प्रधान के रूप में उन्होंने वादे किए हैं कि हर एक योजना जो प्रधान के संबंध में आती है अपने गांव के लिए वह विकास करेंगे। हरिद्वार से मीरा कटारिया की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल जी। जो आप कहाँ रहते हैं? सराय में। आप प्रधान प्रत्याशी खड़े हैं तो जनता का क्या रुझान या जनता के प्रति आपका क्या रुझान है? जनता के प्रति मेरा रुझान तो ठीक है, लेकिन जनता का रुझान के प्रति ठीक है जी सर। जैसे कि सर, ये जो प्रधान प्रत्याशी पहले जैसे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े जनता से वादे करते हैं, क्या उनमें से आप भी एक ऐसा करेंगे कि जब पब्लिक के बीच कहना कुछ और बाद में कुछ और होता है, क्या ऐसा जनता के बीच आपका व्यवहार रहेगा? नहीं, ऐसा मेरा व्यवहार नहीं है। मैं तो जो कहूँगा वही कहूँगा जी सर, जो का वादा मैं कभी करता ही नहीं जी सर। और 25-30 साल से लोगों के बीच में मैं काम करता भी आ रहा हूँ जी सर। निश्वास करता हूँ किसी का, किसी लालच में जी सर। जो काम मेरे से हो रहा हूँ मैं कर रहा हूँ जी सर। इसी के मध्य इन लोगों का रुझान मेरी तरफ है जी। जो मेरा काम है देख रहे हैं, किसी को देखना परखना सुनना है ही नहीं। जो नए वाले आदमी है उनको परखना पड़ता है जी सर। जैसे सर मैंने देखा भूतपूर्व प्रधान वगैरह होते हैं तो उनके पास पब्लिक अगर काम के लिए जाती है तो घर में रहते भी कहते हैं प्रधान जी यहाँ पे नहीं है, क्या आपका भी व्यवहार जनता के लिए कैसा है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं रहेगा। मैं तो जो काम इनका है वो खुद ही जाकर मैं करूँगा। ये तो मेरे पास आने की नौबत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही पूछा करूँगा काम जाकर वहाँ। मेरा काम काम करने का है, लेकिन किसी कुमारे का नहीं है। मुझे तो अपने नाम के लिए खड़ा, कुमारे के लिए नहीं खड़ा।